हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो दिन है आज सोमवार का, तारीख है 13 जून और सुबह के बज गए हैं 8। और अभी जो है अपने घर का काम हम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारा काम हमारा हो चुका है। फिर मेरे को याद आया कि अभी ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, एक फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो जी बस अभी जो है चाय पानी वगैरह हो चुकी है, बच्चों को दूध वगैरह देना था वो दे चुकी हूँ, वरुण को ट्यूशन भी छोड़ आई हूँ और काफ़ी सारे काम जो है वो मेरे निपट चुके हैं। और हिमांग के पापा जो है वो ड्यूटी चले गए हैं, आप ये मान के चलिए अगर वो ड्यूटी चले गए हैं तो सुबह का नाश्ता पानी वगैरह, उनका लंच वगैरह देना, सारी चीज़ें जो है वो मेरी हो चुकी हैं। और अभी बस रहता है बर्तन साफ करना और झाड़ू और पोछा लगाना। अच्छा जी, एक कमेंट मेरे को बार बार आ रहा है कि दी आप पहले नहाया करो। डियर, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं पहले नहाऊँ। और एक कमेंट ये भी आ रहा है बार बार कि आप चप्पल पहनकर किचन में जाते हो। देखो जी, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि चप्पल पहनकर किचन में जाना है या नहीं जाना। हम बचपन से ही ऐसे ही, और मेरे मायके में भी और ससुराल में हर कोई चप्पल पहन के ही किचन में जाता है। जिस दिन मेरे को अमावस वगैरह निकालनी होती है उस दिन मैं चप्पल निकाल के जो है वो किचन में जाती हूँ। और जब तक मैं अमावस निकालती हूँ किचन में कोई भी एंटर नहीं करता है। वो सारे काम जो चप्पल निकाल कर सिर पर जो है चुन्नी वगैरह लेके तब जाके सारे काम होते हैं। तो जी क्या होता है कि सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से होती हैं, चाहे वो सिर पर पल्ला लेना है या फिर चप्पल पहन के किचन में जाना है या जो कुछ भी है, सबके अपने ट्रेडिशंस, अपने अपने रूल्स वगैरह जो होते हैं, नियम कायदे कानून जो है वो सारी चीज़ें हैं, तो सब उसी के हिसाब से जो वो चलते हैं। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ हो गए, किचन साफ़ हो गया, मेरा स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ हो गया, अभी मैं लगाऊँ। और फिर ये भी था ना कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि दी आप फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करना, और मैं नहा चुकी हूँ एक बार तो, और अब भी मुझे ना एक ज़बरदस्त गर्मी लग रही है, तो पोछा वोछा लगा के मैं फिर से नहाने जाऊँगी। और वॉश मशीन वगैरह मैंने जो है वो साफ़ कर दिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि वैसे ना कैमरे में दूर से दिखाई देता है तो एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन कई बार क्या होता है एकदम नज़दीक से हम कैमरा करते हैं ना तो बहुत जगह आपको दाग धब्बे जो है वो दिखाई देंगे, क्योंकि वाइट टाइल्स के ऊपर, व्हाइट फर्श के ऊपर जो है दाग धब्बे जल्दी लगते हैं। तो जी बच्चे अब थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं टीवी, जब तक ये टीवी देखेंगे तब तक मैं कपड़े वगैरह जो धुले थे उनको मैं प्रेस करने वाले मैं प्रेस करूंगी, और जो वर्दियाँ वगैरह प्रेस करने के लिए देनी है वो मैं दूंगी। रिक्वेस्ट आई हुई थी कि दी पूरा फुल डे रूटीन जो है वो आप अपना जो है वो शेयर करिए, और इस टाइम जो है बच्चे टीवी देख रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा लूँ, क्योंकि उस बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। अभी ये सब करने के बाद फिर मैं बच्चों को कुछ खाने पीने का जो है वो मैं दूंगी, क्योंकि बच्चों की एक तो भूख बहुत छोटी होती है, थोड़ा थोड़ा वो खाते हैं और फिर बार बार जो है बच्चों को भूख लगती है। ऊपर से दूसरी बात यह है कि गर्मी हद से ज़्यादा, इतनी भयंकर गर्मी भाई हमने कभी नहीं देखी, इतनी ज़बरदस्त भयंकर वाली गर्मी है। हिमांग की तबीयत के बारे में काफ़ी सारे कॉमेंट आ रहे हैं, तो हिमांग की तबीयत जो है अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है, उसको उल्टियाँ भी लग रही है। कल रात को भी उसने मतलब मैं उसको सुला रही थी ना तो वो बोला कि उसको मेरे पेट पे सोना है, और जैसे मैं उसको पेट पे मैंने अपने पेट पे लिटाया ना, लिटाते ही तुरंत उसने मेरे ऊपर सारे मतलब पेट पे जो है उल्टियाँ वगैरह कर दी। उसको दस्त भी लग रहे हैं, दिन में तो ठीक थे लेकिन जब थोड़ी देर उसने टीवी वगैरह देखा ना उस टाइम पर जो है वहाँ पे उस रूम में गर्मी थी, एसी चलाना मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं वहाँ का एसी ऑन कर दूँ, और फिर वही गर्मी एक बार फिर से बन गई और उसको दस्त वगैरह फिर से लग गए। तो हिमांग पता है दस्त तो दो तीन चार बार अगर किसी बड़े बंदे को भी लग जाए ना तो उसकी हालत इतनी पतली हो जाती, हालत बहुत ख़राब हो जाती। ये तो छोटा सा बच्चा है, और अभी जो है मैं दोनों के लिए बना रही हूँ, एक को लेना है खाली मिल्क शेक और एक को लेना है रूह अफ़ज़ा, और उसके साथ मैं भी रूह अफ़ज़ा ही लूँगी। तो वही होता है ना गर्मी में ठंडा बच्चों को कुछ भी दे दो, बस ये कि जाना चाहिए बच्चे के शरीर में। तो मैं वरुण को दूंगी मैं मिल्क शेक, और जो है मैं और हिमांक लेंगे रूह अफ़ज़ा, ठंडा ठंडा जो है वो दूंगी मैं। और ये दूध वगैरह जो बचा हुआ था थोड़ा सा उसको भी मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि आज दूध थोड़ा सा कम था, आज थैली वगैरह लानी पड़ेगी, या फिर बहुत बार क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि जितना ज़रूरत होती उतना नहीं मिल पाता है, तो हम दही वगैरह भी ले आते हैं और फिर नेक्स्ट डे जो है भैया उस दूध को कम्प्लीट कर देते हैं। जैसे आज मैंने 3 किलो लिया है
वैसे 2 किलो लेते हैं। कमेंट आए थे दी आप दूध कितना लेते हो, दूध हम जो है वो 2 किलो लेते हैं और जो है 1 किलो हम दही का पैकेट ले आते हैं, तो हमारा इतने में काम चल जाता है। अच्छा जी, और जो है सबसे पहले मैं ना सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से ना एक लड़की लगातार मेरे को कमेंट कर रही है दी आप जो है प्लीज़ ये बता दो कितने व्यूज़ पर कितना पैसा मिलता है। लेकिन जो है एक तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैं भूल जाती थी, कुछ हिमांग की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो उन्होंने यही पूछा था कि दी 5 से 6 हज़ार व्यूज़ आते हैं तो उसमें कितना कुछ जो है वो अर्निंग होती है। तो डियर 5 से 6 हज़ार व्यूज़ में आपको 0.0 आप ये कह सकते हैं $10 में भी, शायद नहीं 0.10 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, $0.05 इसका मतलब ना के बराबर अर्निंग होती है। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी जो है RPM क्या है उस वक्त, जो है RPM जो चल रहा होता है आपके चैनल का वो क्या है। अगर आपके चैनल का RPM उस टाइम पे 0.05 है, क्योंकि जो चैनल का RPM होता है 0.0 से स्टार्ट होता है, 0.0, 0.01 इस तरह जो है वो स्टार्ट होता है, और RPM अगर आपका जो है बहुत डाउन है तो आपको अर्निंग बिल्कुल नहीं होती है। मेरा RPM जो है वो डाउन है तो मुझे बस ये मान के चलिए बस ख़तरनाक वाला जो है वो है, तो अर्निंग इतनी नहीं होती है। लेकिन जो है धीरे धीरे RPM जब बढ़ने लग जाएगा तो अर्निंग होनी भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अजी भी अभी जो है शाम का टाइम हो गया है करीबन जो है 7 बजे का, और दोपहर को मैंने बच्चों के लिए दाल चावल भी बनाए थे, दाल मैंने भिगो के रख दी थी, तो दाल चावल जो है मैं सोचा बच्चों के लिए मैं बना दूँगी। अभी जो है शाम का टाइम हो गया है और हिमांग को रखा है मैंने अपने साथ, यहाँ पर जो है मैं थोड़े बहुत चावल भी बनाऊँगी, कढ़ी भी बनाऊँगी और थोड़ी सी रोटियाँ भी सेकूँगी। टोटली जो है क्योंकि कढ़ी बनती है ना तो चावल तो बनते ही बनते हैं, और दिन में दाल चावल जो बनाए थे बच्चों के लिए कढ़ी और रोटी बनाऊँगी, अपने लिए थोड़े से चावल और हिमांग के पापा के लिए भी थोड़े से चावल और रोटी, ये वाला जो है वो बनने वाला है। और यहाँ नमक का डिब्बा जो है वो खाली हो गया है तो उसमें भी थोड़ा बहुत नमक डाल दूंगी। मैं फुल नहीं करती हूँ नमक के डिब्बे को, आधा के या करीब जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ये बच्चों के हाथ से छूट जाए, मेरे हाथ से छूट जाए तो वो बहुत सारा नमक जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो इमाम को थोड़ी देर मैंने अपने पास बिठा लिया है, वो अपनी मर्ज़ी से ही आया था क्योंकि वो बोर हो रहा था, उसको टीवी भी नहीं देखना था, तो मैंने सोचा मैं उसको अपने पास बिठा लेती हूँ, थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस वगैरह जो है मैं उसके साथ बातें करूँगी, थोड़ा बहुत कुछ है जो है वो बोलेगा। तो मैं काम करते करते काफ़ी सारे काम जो है साथ साथ में मैं जो वो कर रही हूँ, इमांग से बातें भी कर रही हूँ, इमांग को बुलवा भी रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ में हो जाती हैं। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं साथ साथ में जो है तड़के की तैयारी जो है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और बच्चों को जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो 4 बजे वाला रूटीन मुझे एकदम कंफर्टेबल लग रहा था, तो 4 बजे वाला रूटीन ही जो है एकदम सही है मेरे लिए, क्योंकि तो मैं बच्चों को थोड़ा सा टाइम से सुलाऊंगी और फिर ताकि सुबह जो है बच्चे वो टाइम से उठ सके, क्योंकि फिर गर्मी इतनी भयंकर गर्मी है भाई, जब तक बारिश वगैरह नहीं आ जाती हर किसी की हालत बहुत ख़राब है, चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, हमारे जैसे है, चाहे कोई भी है, सबकी हालत बहुत ख़राब है। और इतनी गर्मी में किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा वो है, इसकी वजह से ना जो मैंने स्पेशल जो है वो कूलर चला के रखा हुआ है ताकि करूँ पूरे घर में ऊपर जो है वो ठंड जो है वो थोड़ी बहुत हो जाए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो हो जाए। कमरे में तो एसी चलता है तो थोड़ा बहुत ये होता है कि एसी चलने की वजह से रूम ठंडा हो जाता है, लेकिन बाहर का जो होता है वो तो गर्म ही होता है, तो इसलिए जो है मैंने कूलर जो है चला के रखा हुआ ताकि पूरे घर में जो है ठंडक जो है वो हो जाए। और यहाँ पर जो मैं हिमांग से बातें कर रही थी ना, हिमांग से वो थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस वगैरह जो है वो मैं करवा रही थी, बस उसका इच्छा थी आज, पता नहीं कैसे क्या इच्छा हुई उसको बोलने की, अदरवाइज़ वो इतना वो करता नहीं है, थेरेपी के टाइम पर जो करता था वो करता था, अब नहीं करता है। और अभी तो मैंने थोड़ा ब्रेक दे दिया है थोड़ा सा, क्योंकि हिमांग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा जो हो गई है, ऊपर से मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी इतनी हालत नहीं है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक देने का सोचा है। जब हिमांग को उस दिन गले में दिक्कत हुई थी ना, उस दिन हिमांग के पापा ने काफ़ी गुस्सा किया कि अभी कुछ जो है महीना 2 महीना 3 महीने जितने जब तक गर्मी कम नहीं हो जाती तब तक जो है वो ब्रेक दो और बच्चे के ऊपर ध्यान दो सारा का सारा, उसको घर पे ही खिलाओ पिलाओ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया। स्पीच वगैरह बाद में शुरू कर लेंगे हम अच्छे से,
साथ में थोड़े से चावल भी मैंने भिगो के रख छोड़ दूंगी मैं, जब तक कढ़ी बनेगी चावल वगैरह 15-20 मिनट भीग जाएंगे, साथ साथ में रोटियां सेक दूंगी, एक तरफ जो है चावल बन जाएंगे हमारे, तब तक जो है मैं प्रेस वगैरह जो वो कर लूँगी। ऐसा ना, कढ़ी तो चीज़ ही ऐसी है कि उबलती रहेगी, जितना उबलेगी उतनी जो है वो टेस्टी बनेगी, और उबलती रहेगी मैं तब तक अपने बाकी के काम जो है वो निपटा लूँगी। शुरू में जब तक एक बार कढ़ी में उफान नहीं आ जाता तब तक जो है कढ़ी को हिलाते रहें, नहीं तो कढ़ी जो है वो फट जाएगी। तो जी बस अभी जो है जब तक कढ़ी हमारी जो है मैंने सिम गैस पे कर दिया था, सिम टू मीडियम गैस पे जो मैंने उसको कर दिया था, तब तक जो है मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि प्रेस के कपड़े मेरे हैं, वर्दी वगैरह मैंने प्रेस करने के लिए अलग से निकाल दी है। सुबह वरुण को जब ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी ना या वापस लेने जाऊँगी, उस टाइम पे जो है वर्दियाँ वगैरह प्रेस करने के लिए दे दूँगी। अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े मैं जो है वो घर पर ही प्रेस करती हूँ। तो जी आज का जो मैं आपके साथ शेयर करूँ ये फुल डे रूटीन है, और आई होप आप लोगों को ये रूटीन जो है वो पसंद आया होगा, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास कमेंट आते हैं, दी आपकी वीडियोस देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी वीडियोस को देखकर हमें कुछ सीखने को मिला, और हम भी जो है वो थोड़ा टाइम से उठते, चीज़ें मैनेज हो रही हैं टाइम से। तो ऐसा जब है ना सुनने को मिलता है ना कि आपकी वजह से कि किसी की जो है घर में चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आती है। और भी वैसे भी सारा दिन जब हम घर में काम टाइम से मैनेज होते हैं ना तो घर में ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपका जो मूड है वो एकदम फ्रेश रहता है, खुश आप जो है वो रहते हैं। और एक चीज़ और है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे बोलूँ, लेकिन फिर भी अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हैं। कोशिश पहले के मुकाबले में जहाँ तक मुझे आइडिया है मैंने काफ़ी जो है वो स्लो बोलने की कोशिश करी है, और आगे भी पूरा थोड़ा स्लो बोलने की मैं कोशिश करूँगी, और फेस टू फेस बात करने की भी, मतलब जितना डेली का तो मैं फिर भी नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं फ़ेस टू फेस भी मैं थोड़ा बहुत मैं बात कर पाऊँ। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, आप मेरे सारे व्लॉग्स देख पाओ। टिल देन बाय।